आप क्या करना चाहते हैं? हाँ देख लो, कुछ और बात है तो बता दो। और आप पढ़ नहीं रहे हैं, अपनी कॉपी खोलिए, मैं कह रहा हूँ साथ साथ डायग्राम्स बनाइए सारे बच्चे। वाई यू आर सिटिंग आइडली, कॉपी पड़ी है, पेन पड़ा है, लाइट जल रही है, फैन चला, लेकिन हम नहीं काम कर रहे। प्लीज, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज इज एट फोकस, इट इज पॉइंट साइज एंड रियल एंड आल्सो इनवर्टेड। साथ साथ ड्रॉ कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में बेटे बहुत मुश्किल आती है जब आप हायर क्लासेस में चले जाते हैं। रे डायग्राम वर्क हमारा अच्छा नहीं होगा तो देन वी विल सफर, राइट? देन बेटे सेकंड केस है आपका, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F। तो ये आपका वंस अगेन बेटा कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस F, ट्वाइस F, F, ट्वाइस F। आपने अपना ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस किया, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस विटे। जो रे आपका ऑप्टिकल सेंटर में से जाता है, इट गोज अनडिविएटेड, इस पॉइंट पे रेज असल में मिल रही हैं। इमेज फॉर्म्ड इज विद अ रियल इनवर्टेड बिटवीन एफ एंड टू एफ, बिटवीन एफ एंड टू एफ, एंड इट इज स्मॉल इन साइज इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। बेटे बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बेटे मिडल में से पास करी ऑप्टिकल सेंटर में से, बिकॉज इट इज द केस ऑफ द नॉर्मल इंसिडेंट, से अनडिविएटेड चली जाया करती है, राइट बेटा? बेटे थर्ड सिचुएशन है आपकी, ऑब्जेक्ट एट टू एफ। बेटा आपका ये बन गया जी कन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस ट्वाइस एफ, फोकस एंड ट्वाइस एफ, और आपने यहां पे अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया ए बी, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, इट विल पास थ्रू दिस फोकस एज सच, ये ऑप्टिकल सेंटर में से अनडिविएटेड चली जाएगी, दोनों रेज असल में मिल रही है इस पॉइंट पे, एंड इट इज ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट एट टू एफ है, ये इमेज फॉर्म्ड इज अगेन एट टू एफ, इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड एंड इट इज ऑफ द सेम साइज। ध्यान रखिएगा इस चीज का। फोर्थ केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ बेटे, आपने अपना कन्वेक्स लेंस इस तरीके से प्लेस किया, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस ट्वाइस एफ, फोकस एंड ट्वाइस एफ। बेटा यहां पे आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा ए बी, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज एक्सपेक्टेड टू पास थ्रू द फोकस, इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड हेयर इट गोज अनडिविएटेड, इस पॉइंट पे एज असल में मीट कर रही है, ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म, इट्स विद अ रियल इनवर्टेड लार्ज एंड बियॉन्ड टू एफ। बेटे आई होप कि पहले दो तो आपके बेटे कंप्लीट हो गए होंगे पुत्र। शुड आई प्रोसीड अहेड?
ओके देन, आप 1 मिनट लगा लीजिए, बना लीजिए पहले। हाँ जी बेटे, सेकेंड रे, ये आपका सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ द नॉर्मल इंसिडेंस केस इट विल गो अनडेविएटेड, इमेज विल बी एट इंफिनिटी हाईली मैग्निफाइड रियल एंड इनवर्टेड, राइट जी। देन बेटे सिक्स्थ केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में जब आप प्लेस करोगे, सिक्स्थ केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा है आपने, सो यू विल हैव दिस वन एज सच, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, फोकस ट्वाइस एफ बेटा, फोकस एंड बेटे ट्वाइस एफ, हियर लाइज योर ऑब्जेक्ट ए बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस, सेकेंडली इट विल गोइंग अनडिविएटेड व्हेन एक्सटेंडेड टू द अदर साइड दीज अपीयर टू मीट एंड हेयर ए डैश एंड बी डैश इज द इमेज which is virtual and erect beta and magnified beta and on the same side beta. 1 minute laga lijiye is pe bhi, isko bhi complete kar lijiye beta, then we will be proceeding ahead with the discussion beta. Okay, then displacement ki baat kar lete hain. Ye beta generally aapka beta, dear children dhyan dijiyega, ये आपका ग्लास स्लैब में ऑब्जर्व किया जाने वाला फिनोमिना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। लेट अस लेटरल डिस्प्लेसमेंट बेटे, इसमें बच्चों आपने ग्लास स्लैब इमेजिन किया, ध्यान दीजिएगा बेटे जरा सारे बच्चे, ये ग्लास स्लैब आपका बेटे ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे आप जानते हैं होता है, ये बेटे आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो यहां पे आपने फॉल करवाया। अब ध्यान दीजिएगा ये एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, अगर ये आपका मीडियम ग्लास ना होता इस रे ऑफ लाइट के पास में, इस रे ने अनडिविएटेड चले जाना था, ऐसे ही चले जाना था, बट ये ऐसे जा नहीं रहा है, इसके पाथ में चेंज आ रही है, ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बेटे कहलाएगा, यहां पे ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा उत्तर, और ये बिकॉज एयर से ग्लास में एंटर कर रही है रे, एयर टू ग्लास मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम एंड वी एक्सपेक्टेड टू बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल, वेरी राइट, दिस इज एंगल आर बेटा, यहां पे आपने फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज ऑल्सो एंगल आर बेटे, और अब आप क्या करिए, यहां से डेंसर टू रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज देयर एंड हेयर इट इज एंगल ई, ये आपका बेटे इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड, एक मिनट वेट करिएगा, ये रे आपका रिफ्रैक्टेड और ये अमिटेड रे, अमिटेड रे और ये एक्सपेक्टेड पाथ जो है, इनके बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, दिस डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बेटे अगर आप डिफाइन करना चाहो आप कह सकते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे या एमिटेड रे एंड द इंसिडेंट रे। आप इस एमिटेड रे को इमर्जेंट रे भी बेटे कह देते हैं, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका आ जाता है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बेटे हमने बोल दिया हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। राइट बेटा, चलें जी आगे। क्लियर हो गया? आप न्यूमेरिकल कुछ कह रहे थे बेटे, कोई है तो दे दीजिए बुक आपका। हाँ जी पुत्र, कोई कहीं पे लिखी होगी आपके पास कोई बुक, एनसीईआरटी की दे दो, कोई बात नहीं। अमिटेड रे जो है ये रिफ्रैक्टेड रे ही बाहर जब आ रही है आपके ग्लास में, तो एक्सरसाइज निकाल देना बेटा, तो आपका ये अमिटेड रे बन जाता है या इमर्जेंट रे बन जाएगा। राइट बेटा? हाँ यस, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बेटे थिकनेस पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है, दोनों पे डिपेंड करती है। लिख लीजिए आप, द लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बेटे। दो फैक्टर्स पे आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिपेंडेंट रहता है। लाइए जी बेटे, लेंस के केस में बेटा ये फ्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखें। मैं पहले बेटे एक्सरसाइज पे ही फोकस करूंगा, एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस आपको उन्होंने दिए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं। लेट मी बेटे गो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ये प्रॉब्लम नंबर 11 है बेटे आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, बैक एक्सरसाइज का। क्वेश्चन सेज दैट ए कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कंकेव लेंस फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है, कंकेव लेंस है तो वी विल हैव टू टेक इट एज नेगेटिव बेटा। ए कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। ये इमेज 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना देता है और आपको कहा गया है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। लेंस से आपने ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा है, दिस इज बिटे नीडेड। जरा ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स का, कंकेव आपका लेंस है, कंकेव लेंस में अगर मैं कोई इंसिडेंट रे ड्रॉ करूं, इमेजिन कर लीजिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चला जाएगा और लगेगा आपको फोकस से आ रहा है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है। अगर कोई और रे आपका ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा है, वी एक्सपेक्टेड टू गो ऑन डिबेट, इमेज आई मीन टू से उसी साइड पे बनेगा, तो इमेज डिस्टेंस आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। दिस इज द की पॉइंट। अब आपको यू निकालना है और ज्यादा से ज्यादा आप मैग्निफिकेशन की टर्म्स में बात कर सकते हो बेटा, तो आपका देखिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ हुआ करता है। आप इस टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, 1 बाई वी इट इज 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू हो जाएगा बेटा। एनी पॉइंट बेटा बोलो पुत्र। हाँ जी बताइए,
कोई डाउट है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो बेटा? कुछ भी नहीं। शोभान भाई बी बेटे आ गया आपका, एफ इंटू यू, यू प्लस एफ आ गया जी। इसको रेसिप्रोकल ले लें रिलेशनशिप का, एफ इंटू यू अपॉन यू प्लस एफ। ओके, यू निकालना है तो यू को आप एडजस्ट कर लीजिए, तो वी और एफ की टर्म्स में कर लेते हैं। लेट मी री राइट ओवर हियर। आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो लेट अस री एडजस्ट दिस रिलेशनशिप। आपके पास वन बाई यू जो है, वन बाई वी माइनस वन बाई एफ आ गया बेटे। इसको रहने दीजिए, फिर आपको भी अगर वी नहीं निकालना है तो आप यू निकालना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ से पिक कर लीजिएगा। और ये आपके पास बेटे आ गया जी वी इंटू एफ, एफ माइनस वी बेटा, और यू आपके पास आ जाएगा वी इंटू एफ अपॉन। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटे। एफ आपका 15 है, -10 एंड -15 हो गया जी, -15 एंड प्लस का 10 आ गया बेटा, और ये बन गया माइनस माइनस प्लस हो गया 10 इंटू 15 अपॉन -5 -13 सेंटीमीटर, राइट बेटे? दिस वाई हाउ टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। स्टैंड अप, फॉर्मूला बोलिए। मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ द लेंसेज, यस, लेट हिम स्पीक। लेंसेज के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, आइए बी अपॉन यू, सिंपली आप पुट कर दोगे, एम इज इक्वल टू बी अपॉन यू बेटा, और ये आपका एच टू बाई एच वन के बराबर भी होता है, बिकॉज ना हमें एच टू दिया ना एच वन दिया है, आप सिर्फ मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। और यहाँ पे कैलकुलेट करके जरूर देखो कि मैग्निफिकेशन आपका वन से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, जरा चेक करिएगा। वन बाई थ्री, इट मीन्स कि मैग्निफिकेशन आपका लेस देन वन होने का मतलब डायरेक्ट यही है कि आपका इमेज जो है दैट इज स्मॉल इन साइज बेटे, राइट बेटे? सो इसके बाद आइए आगे चलें। नहीं, ये तो सिर्फ मैं आपको ये बात समझाने के लिए बना रहा था कि कंकेव लेंस में, मैंने अभी पहले बनाए भी नहीं ना दोनों डायग्राम, कि कंकेव लेंस में आपका इमेज उसी साइड पे बनता है, आपको पता ही होता है। अदरवाइज आपको स्टेटमेंट में मे बी वो दे दें या ना दे दें तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। अगर आपको लेंस उन्होंने कंकेव दिया हुआ है तो ये पक्की बात है कि इमेज उसी साइड पे ही रहेगा। उस टाइम पे आपको वो बताएंगे कि इमेज आपका वर्चुअल है या रियल है, ये वर्ड जरूर लिखा होगा, राइट बेटे? चलें बेटे आगे, देन आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करके देखें, न्यूमेरिकल नेक्स्ट करके देखें। इसके बाद आइए बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 8। इट्स 10। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, आप सुन लीजिएगा ध्यान से बेटा। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर होने का मतलब है एच वन 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। इट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है, लेंस आपका कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग कौन सा होता है? कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस आपको दे रखा है।
ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है क्योंकि कन्वेक्स सेट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. देन ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म. पोजिशन नेचर एंड साइज का मतलब है आपको वी बताना है, एम आपको बताना है, तभी आप नेचर इंडिकेट कर पाओगे. रे डायग्राम भी आप बना लोगे तो पता चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है. और वैसे भी हमें बेटे अंदाजा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा फोकल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है, आप इसको 10 सेंटीमीटर के डबल से ज्यादा डिस्टेंस पे रख रहे हो, बियॉन्ड 2f है. इट मीन्स दैट कि f और 2f के बीच में बनेगा और इसके कंपैरेटिवली स्मॉल होगा. वेरी राइट. जब आप अपना ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2f रखते हो तो इमेज आपका छोटा बनता है, जब आप f और 2f के बीच में रखते हो तो बड़ा बनता है. राइट बेटे. सो आइए प्रेजेंटली तो कैलकुलेट करके देखें. 1/b माइनस 1/u, 1/f है, 1/v आपका 1/f प्लस 1/u है बेटा. एंड ये f इंटू यू, यू प्लस f, एंड इट विल बी f इंटू यू अपॉन यू प्लस f. आप कैलकुलेट करिए बेटा जल्दी से. f आपके पास है, u आपके पास है, जस्ट गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज एंड फाइंड आउट v. फ्रैक्शन में कितना आ रहा है? 50/3 सेंटीमीटर. चेक कर लीजिएगा, माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए. चेक करो, देखो जरा साथ. जस्ट बेटा सी ऑन द बोर्ड, f कितना था, u कितना है, ये आ गया. ये आ गया, इट इज 50/3. साइन तो नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव ही आ रहा है. राइट. अब आपको मैग्निफिकेशन की हेल्प ले लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द नेचर. यस, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको कह रहा हूं, उधर नहीं. स्टैंड अप. मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, क्या कौन सा बेटे कह रहे हो आप? मैं लेंस फॉर्मूला पूछ रहा हूं आपसे, मिरर फॉर्मूला नहीं. अरे लेंस फॉर्मूला पूछ रहा हूं बेटे. बैठ जाइए, बैठ जाइए. वन शुड बी अटेंटिव. राइट. अटेंटिव नहीं है आप, नहीं तो आपने बोल देना था बी बाई यू इट शुड बी. बेटा बी कितना था? हाँ जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? मैंने गलत कब कहा? तो यू आर लैकिंग द कॉन्फिडेंस, यू आर देन शेटरिंग फ्रॉम योर ओन स्टेटमेंट. यू कितना है? -2/3. बच्चों सारे स्टूडेंट्स देखिएगा, ये लेस देन वन हो गया. एम आपका मैग्नीट्यूड वाइज तो लेस देन वन है, लेकिन ये साइन क्या इंडिकेट करता है कि इट इज इनवर्टेड. अगर इनवर्टेड होगा तो रियल भी है. सो इन दिस वे बेटा इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस विल बी बेटा रियल इनवर्टेड, स्मॉल इन साइज इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. और कई बार बच्चों वो आपको साइज ऑफ द इमेज निकालने को भी कह सकते हैं, वो भी हमें जरूर निकालना चाहिए यहाँ पे. ऑल ऑफ यू बेटा गो फॉर द साइज दैट इज h2. हाफ मिनट लगेगा, फटाफट कर लीजिए. h2 निकालना है हमने. h2 इट इज -10/3. सबका ही आ रहा है इतना?
देख लेते हैं, कोई बात नहीं, आप भी चेक कर लीजिए साथ साथ। एच टू बाई एच वन बी बाई यू, ये आ गया। ये था माइनस टेन बाई थ्री, एच टू एच वन से बड़ा है कि छोटा है? छोटा आ रहा है ना। सो इन दिस वे बेटा आप अपना आंसर जस्टिफाई भी कर सकते हो कि आपने बिल्कुल ठीक वर्कआउट किया है। थैंक यू ऑल बेटे। और लिसन वन थिंग मोर,